देखिए बच्चों, आप इंडियन आर्मी में अगर आपका सिलेक्शन होगा, चाहे CISF में होगा, कांस्टेबल, कोई भी ऐसी जो भर्ती है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ मेडिकल टेस्ट होता है। तो वहाँ का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आप डायरेक्ट ना जाएं, उससे पहले आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को या किसी पैथोलॉजी लैब में जाकर अपना ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं वो करवा लीजिए। यही हमारे मित्र हैं डॉक्टर रोहित जी, ये इनका टेस्ट कर रहे हैं। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब से किस टाइप का टेस्ट वहाँ होता है और यहाँ पे कैसे ये करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर ये बताइए, जो इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी भर्ती हो, तो वहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें कौन कौन सा टेस्ट इंक्लूडेड होता है और किस टाइप का टेस्ट आपसे करवाने के लिए आते हैं स्टूडेंट? फिलहाल तो जो हमारे पास आते हैं नॉर्मली जी, तो ये नॉर्मली अपने आपको चेक करने के लिए आते हैं। हमने जैसे सुना होगा ना, कहीं किसी की नौकरी लगती है उसका मेडिकल टेस्ट होता है। जी जी। जैसे किसी का ड्राइवर का भी नौकरी लगेगा ना सरकारी, अच्छा अच्छा, उसका ही मेडिकल टेस्ट किया जाता है ताकि उसको ना हो बाद में कोई बीमारी हो जाए। जैसे कई बीमारियां होती है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, अच्छा अच्छा, तो पहले मेडिकल फिटनेस मांगते हैं। अगर मान लो किसी को HIV हुआ रहेगा जी जी, फौज में चला जाएगा, इसकी लाइफ कितनी रहेगी? जी जी, नहीं पाएगा तो वहाँ भर्ती देते ही नहीं। भर्ती क्या है, इसका पहले मेडिकल टेस्ट लीगली, अच्छा अच्छा, जो लीगली जो इसका जो टेस्ट रहेगा जी जी, जैसे वो कह सकते हैं आप सरकारी में करवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जो गवर्नमेंट जो कोई भी जॉब मिलेगी जी जी, उसका टेस्ट आपको सरकारी अस्पताल से ही होता है जी। तो चलो प्राइवेट है हमारा जी जी, चीजें हैं इसमें नॉर्मली कोई हमारे पास कई लोग आते हैं जिनकी नौकरियां लगती है जी जी, मेडिकल टेस्ट कराने से पहले हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। सर हमें देख लीजिए कोई इशू ना हो जाए, कोई इशू होता, कोई कमी होती है तो वो पूरा कर सकते समय से पहले, इसके टाइमिंग से पहले जी जी। आपने सुना होगा ना कि मेडिकल कराने गए, इनको सर्दी जुकाम खांसी हो गया, अच्छा अच्छा, सामने इसका मेडिकल हो रहा है तो वहाँ पे उसको खांसी आ गई, बलगम आ गया, अच्छा अच्छा, उसको री मेडिकल में मार देते, अच्छा, बच्चे का काफी नुकसान हो गया ना। जी जी सही, टाइम भी गया उसका। अगर ये इशू पहले ही अपना टेस्ट करा लिया होता, कई लोगों को चक्कर आ जाता है रनिंग के दौरान ही जी जी, तो अपना हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेलेट हो गया, पहले देख सकते हैं जी। जैसे अभी इनका मैंने टेस्ट किया है, अभी तो इनका कौन कौन सा टेस्ट आप करेंगे सर? इनको थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, इन्होंने अच्छा अच्छा, आजकल का डेंगू का टाइम चल रहा है जी जी, तो प्लेलेट इनको देखना था मेरा कितना है जी जी, तो अभी हमने इनका लगाया तो इनका प्लेलेट नॉर्मल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डायरेक्ट यहीं आ जाएगा। ये क्या है सर, ये किस टाइप की मशीन है? ये सेल काउंटर होता है, इसमें जैसे इनका जो सेल है 1.5 लाख नॉर्मल होता है, नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन 14.7 अच्छा खासा है। बिल्कुल सही, इनका तो रिपोर्ट सर नॉर्मल ही है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है इनका, खाते पीते हैं जी, और इन्फेक्शन कोई नहीं है देखा जाए इसमें मिला जुला के जी जी। और नॉर्मली मैं स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट को सजेस्ट किया जाता है हमारे पास आते हैं जी जी, खाने पीने में ख्याल नहीं करते हैं बोलो जी जी, मतलब इन्होंने अपना सेफ्टी पर्पज से कराया हुआ कि फाइनल पोजीशन पे कुछ दिक्कत ना हो। ठीक ठीक। जैसे हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं ना बहुत लोग जी जी, इनको पता लगता है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई याद नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं क्या? बहुत आलस होता है। अच्छा अच्छा, पढ़ते रहते कुछ याद नहीं रहता है जी जी। जो इनका डायग्नोस किया जाता है इसमें पता लगता है कि इनका हीमोग्लोबिन कम होता है। अच्छा अच्छा। कोई खान पान जो भी कह लो, बच्चों का लाइफस्टाइल, बाहर का फास्ट फूड, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इनका जी जी जी। उस कंडीशन में ना इसका पढ़ाई में मन लगेगा जी, ना कोई फिजिकली एक्टिविटी कर पाएगा। अच्छा, ये सब भी होता है सर क्या? हाँ, बहुत हीमोग्लोबिन का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रोल होता है। अच्छा। बच्चे का अगर फिजिकली कंडीशन सही नहीं रहेगा तो स्टडी कैसे करेगा वो? सही सही बात। तो कहीं ना कहीं उसको खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ जी, ताकि इसका हीमोग्लोबिन सही रहे, और भी चीजें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था, अगर आप भी आपका भी कोई मेडिकल टेस्ट होने वाला है, कोई एग्जाम आपने क्रैक किया हुआ है, तो वहाँ जो फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा उससे पहले आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छी लैब में जाकर अपना टेस्ट करवा लें, ताकि अगर कोई भी 19-20 की कमी हो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर रोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट को बहुत इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।